सो गाइस आज के इस वीडियो का टॉपिक है बेस्ट पावरफुल 5G स्मार्टफोन अंडर 8000। और गाइस आपको भी पता है इस बजट के अंदर 5G स्मार्टफोन बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, तो मैंने काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद इस वीडियो के अंदर 4 स्मार्टफोन को ऐड करा है, जिनमें से 3 4G स्मार्टफोन है, 1 5G स्मार्टफोन है। फीचर्स तो आपको यहाँ पे टॉप नॉच के देखने को मिल जाते हैं, यानी आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से कैमरा क्वालिटी, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले डिसेंट मिल जाते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हो कि कौन कौन से बेस्ट स्मार्टफोन है, तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहां पर आपका जो चौथे नंबर वाला स्मार्टफोन है जो है कि Redmi 13C 4G स्मार्टफोन है। और आपको ही पता है Redmi अपनी बिल्ड क्वालिटी और लॉन्ग टाइम के लिए चलने के लिए जाना जाता है, और उसके अंदर UI भी अच्छा खासा आ जाता है जिसको आप अच्छी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो। तो अब इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसकी जो डिजाइन है ना वो मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगी, यानी बैक में प्लास्टिक हो रही है। एंड इसके अलावा ये स्मार्टफोन Android 13 पर रन करता है, यानी 8mm की थिकनेस है, 192 ग्राम का स्मार्टफोन है, तो आप इसको एक लाइट वेट और हैंडी स्मार्टफोन बोल सकते हो। एंड अब इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, यानी 6.7 इंचेस की HD ब्लर डिस्प्ले जो कि एक वाटरप्रूफ नॉच के साथ मिलती है, एंड 9 इयर्स का स्मूथ डिस्प्ले, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिल जाती है। और अगर आप इसको आउटडोर में यूज करते हैं तो 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। तो ओवरऑल देखा जाए तो डिस्प्ले की जो क्वालिटी है, कलर्स, डिटेल्स वो मुझे सही लगी प्राइस के अकॉर्डिंग। अगर फुल HD ब्लर डिस्प्ले होती तो काफी ज्यादा बेटर रहता। एंड इसके बैक में आपको 3 कैमरे मिल जाते हैं, जिसमें से काम का ओनली एक है जो कि मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है और 8 मेगापिक्सल की सेल्फी, यानी इसके बैक कैमरे से 1080 में वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। देखो मैं सीधे सीधे बताने की कोशिश करूंगा, इसमें जो कैमरा क्वालिटी है वो मुझे यहाँ पे सही लगी, एंड अच्छी खासी फोटो आप इससे खींच सकते हो। एंड इसी के साथ MediaTek का हेलो G85 वाला चिपसेट मिल जाता है, यानी गाइस इस चिपसेट को मैं एक स्टेबल चिपसेट मानूंगा इस प्राइस के अकॉर्डिंग, क्योंकि मल्टीटास्किंग नॉर्मल यूजर्स के लिए स्मार्टफोन बढ़िया रहेगा। इवन इसके अंदर आप 30 से 40 FPS की गेमिंग भी कर सकते हो। एंड इसके अलावा 4GB की वर्चुअल रैम ऐड कर सकते हैं, सिंगल स्पीकर मिल जाता है, और गाइस 5000mAh की बैटरी है, 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। एंड सिक्योरिटी के लिए आपको मिल जाता है भाई साइड माउंट फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक का सपोर्ट मिल जाता है। तो फाइनली प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, तो 4GB रैम 128GB का स्टोरेज है, जिसकी प्राइस आप 7699 रुपीज के अंदर आप इसको कंसिडर कर सकते हो अगर आपको एक Redmi का स्मार्टफोन चाहिए तो। सो गाइस यहां पे आपका जो तीसरे नंबर वाला स्मार्टफोन है जो है कि लावा O2 जो कि O1 का सक्सेसर है। और आपको भी पता है लावा के फोन्स में आपको क्लीन एंड्रॉइड एक्सपीरियंस मिल जाता है, जिससे यूजर एक्सपीरियंस काफी टॉप नॉच का देखने को मिलता है, कोई भी लैग देखने को नहीं मिलता। इस वजह से मैंने इस स्मार्टफोन को ऐड करा है। सबसे मेन इसकी जो डिजाइन है वो यहाँ पर आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है, बैक में प्लास्टिक बॉडी है। एंड गाइस स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 पर रन करता है, 8.7mm की थिकनेस है, 200 ग्राम का स्मार्टफोन है, तो एक एवरेज सा स्मार्टफोन आप इसको बोल सकते हो, ज्यादा बड़ा स्मार्टफोन नहीं है। एंड इसके अलावा डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो 6.5 इंचेस की HD प्लस डिस्प्ले जो की एक पंचोल कटआउट के साथ मिलती है, 90 हर्ट्ज़ का स्मूथ डिस्प्ले मिल जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो यहाँ पे मुझे अच्छी लगी, क्योंकि खास तौर पर पंचोल इसके अंदर मिल जाता है जो कि प्लस पॉइंट लगा मेरे को। एंड इसी के साथ बैक में डुअल कैमरे का सेटअप है, जिसमें से मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है और 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है, यानी इसके बैक कैमरे से आप 1080 में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 30 FPS पे। देखो कैमरा क्वालिटी की बात करूं तो अगर आप इस प्राइस के अकॉर्डिंग डेलाइट कंडीशन में अच्छी खासी फोटो खींच सकते हो, ऐसी आपको निराशा देखने को नहीं मिलेगी। एंड इसके कैमरे के अंदर आपको भर भर के फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि पोर्ट्रेट एंड स्लो मोशन, फिल्टर्स, टाइम लैप्स, काफी ज्यादा फीचर्स मिलते हैं। एंड गाइस अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको यूनिसोक का T616 वाला चिपसेट मिल जाता है, यानी 2,30,000 के आसपास अंदुतु स्कोर देखने को मिल जाता है। और बात करें मल्टीटास्किंग, नॉर्मल यूजर्स को आराम से हैंडल कर लेगा, 35 या 40 FPS की आप इसके अंदर गेमिंग कर सकते हो BGMI में, तो परफॉर्मेंस से रिलेटेड वैसे आपको कोई इशू नहीं आने वाला है। एंड इसी के साथ आपको भाई ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिल जाता है और 5000mAh की बैटरी है, 18 वोट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। तो सिक्योरिटी के लिए आपको साइड माउंट फिंगरप्रिंट है, एंड यहाँ आपको सिंगल स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। और गाइस फाइनली प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, जो कि मुझे एक प्लस पॉइंट लगा, यानी इसके अंदर आपको 8GB रैम 128GB का स्टोरेज है, जिसकी प्राइस 8000 रुपए के बजट के अंदर मिल जाती है। देखो इस बजट के अंदर आपको 8GB रैम कोई भी स्मार्टफोन ऑफर नहीं करता, यानी अगर आपको एक क्लीन एंड्रॉइड एक्सपीरियंस वाला स्मार्टफोन चाहिए एंड परफॉर्मेंस भी अच्छी हो एंड बड़ी रैम और स्टोरेज वाला स्मार्टफोन हो, तो मेरे ख्याल से आप इसको कंसिडर कर सकते हो। तो गाइस वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते बात करते हैं वीडियो के सेकंड लास्ट स्मार्टफोन के बारे में, जो कि मोटोरोला की तरफ से आते हैं। और मोटोरोला के इस बजट के अंदर काफी स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं, यानी 2 से 3 ऐसे स्मार्टफोन हैं जिनको आप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन उनमें से मैंने एक स्मार्टफोन को आपको सजेस्ट करूंगा जो है कि मोटो G24। देखो गाइस इस स्मार्टफोन के अंदर आपको डिसेंट टाइप के फीचर्स देखने को मिलते हैं और काफी लाइट वेट स्मार्टफोन है, बड़ी बैटरी मिल जाती है इसके अंदर, तो इस वजह से इस स्मार्टफोन को मैंने इसके अंदर ऐड करा है। तो इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं। देखो ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 पर रन करता है, 8
5.9 mm की thickness है, 197 ग्राम का स्मार्टफोन है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एवरेज सा स्मार्टफोन आप इसको बोल सकते हो। और डिजाइन भी यहाँ पर आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है, बैक में प्लास्टिक बॉडी है। एंड इसके अलावा डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, यानी गाइस 6.6 इंचेस की HD प्लस डिस्प्ले जो कि एक पंच होल कटआउट के साथ मिलती है, 90 हर्ट्ज का स्मूथ डिस्प्ले। देखो डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो यहाँ पर मुझे सही लगी, यानी इस प्राइस के अकॉर्डिंग फुल HD प्लस डिस्प्ले होती तो काफी ज्यादा बेटर मिल जाता, क्योंकि इसका एक और स्मार्टफोन है जिसके अंदर आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलती है। एंड इसी के साथ बैक में आपको डुअल कैमरे का सेटअप है, जिसमें से मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, एंड इसके फ्रंट में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है। कैमरा क्वालिटी यहाँ पे काफी अच्छी है, प्राइस के हिसाब से जितने भी मैंने पिछले स्मार्टफोन बताए काफी पंची कलर्स देखने को मिल जाते हैं, एंड फोटो के अंदर आपको डिटेल्स मिल जाती है। एंड इसी के साथ आपको मिलता है मीडियाटेक का हेलो G85 वाला चिपसेट है। देखो यहाँ पे भी आप मल्टीटास्किंग नॉर्मल यूजर्स के लिए स्मार्टफोन बढ़िया रहेगा। गाइस इस स्मार्टफोन के अंदर जो प्लस पॉइंट लगा मेरे को वो है इसकी बैटरी, यानी गाइस 6000 mAh की बैटरी है, 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि इस प्राइस के अकॉर्डिंग आपको कोई भी स्मार्टफोन ऑफर नहीं करता है। एंड जो बैटरी बैकअप है आपको 2 दिन आराम से मिल जाएगा, क्योंकि क्लीन एंड्रॉइड एक्सपीरियंस के साथ आता है। एंड इसी के साथ आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, यानी डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट है, तो ऑडियो की क्वालिटी काफी ज्यादा बेटर है, एंड सिक्योरिटी के लिए साइड माउंट फिंगरप्रिंट है। तो गाइस अब फाइनली प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, यानी यहाँ पे आपको मिल जाती है 4GB रैम, 128GB का स्टोरेज है, जिसकी प्राइस 8000 रुपए के अंदर कंसीडर कर सकते हो। देखो गाइस इस स्मार्टफोन को मैं उन यूजर्स के लिए रिकमेंड करना चाहूंगा जिनको एक ऑलराउंडर सा स्मार्टफोन चाहिए, यानी कैमरा क्वालिटी अच्छी, बैटरी परफॉर्मेंस अच्छी हो, तो मेरे ख्याल से आप इसको कंसीडर कर सकते हो। तो गाइस वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते रहो, बात करते हैं नंबर 1 वाले स्मार्टफोन के बारे में। और आपको भी पता है इस बजट के अंदर आपको कोई भी 5G स्मार्टफोन ऑफर नहीं करता है, लेकिन एक ब्रांड है जो है कि पोको M6 5G स्मार्टफोन है, जिसमें आपको एयरटेल वाला एडिशन देखने को मिलता है। तो उसके मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं, यानी गाइस ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 पर रन करता है, 8.1 mm की थिकनेस से 195 ग्राम का स्मार्टफोन है, तो ओवरऑल एक स्लिम स्मार्टफोन आप इसको बोल सकते। इसके बैक में आपको प्लास्टिक बॉडी मिल जाती है, तो डिजाइन वाइज भी ये स्मार्टफोन काफी बढ़िया है। एंड डिस्प्ले के बारे में बात करें तो 6.7 इंच की HD प्लस डिस्प्ले जो की एक पंच होल कटआउट के साथ मिलती है, एंड गाइस 90 हर्ट्ज का स्मूथ डिस्प्ले, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिलती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो डिस्प्ले की क्वालिटी, कलर्स, डिटेल्स काफी सही है। एंड यहाँ पे कैमरे के बारे में बात करते हैं, यानी बैक में आपको डुअल कैमरे का सेटअप है, जिसमें से मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, 5 मेगापिक्सल की सेल्फी, यानी गाइस इसके बैक कैमरे से आप 1080 में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 30 fps पे। और कैमरा क्वालिटी मुझे यहाँ पे एवरेज लगी, यानी ठीक ठाक फोटो आप इससे खींच सकते हो, ज्यादा उम्मीद मत रखना। एंड इसकी जो सेल्फी है उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। इसी के साथ अच्छी बात यह कि मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6100 प्लस वाला चिपसेट मिल जाता है, इसमें आपको 4 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर देखने को मिल जाता है। और आपको ही पता है जो 5G चिपसेट है वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, तो अगर आप इसमें 40 fps की गेमिंग करते हो ना तो कोई भी लैग देखने को नहीं मिलेगा, अच्छी खासी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगी जितने भी पिछले स्मार्टफोन है उनसे। एंड इसी के साथ आपको मिल जाता है भाई ट्रिपल कार्ड स्लॉट है, और गाइस 5000 mAh की बैटरी है, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, सिंगल स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, और सिक्योरिटी के लिए साइड माउंट फिंगरप्रिंट फीचरों का सपोर्ट मिलता है। तो फाइनली प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, यानी गाइस 4GB रैम, 128GB का स्टोरेज है, जिसकी प्राइस आपको 8500 रुपए के आसपास मिल जाती है फ्लिपकार्ट पे, जिसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप रिसेंटली चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको 5G स्मार्टफोन चाहिए कम बजट के अंदर तो इससे बेटर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो ये थे आपके बेस्ट स्मार्टफोन, क्योंकि 3 से 4 स्मार्टफोन है जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर ऐड करे हैं, और सभी अलग अलग ऑडियंस को टारगेट करते हैं। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।